देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन से पहले सरकार ने टीके पर स्थिति स्पष्ट की है। आपको बता दें कि सरकार ने मंगलवार को संकेत दिया कि लोगों को मंजूर की गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से एक को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा, विश्व में कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन के एक से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में किसी भी देश में टीका लेने वालों को अपनी पसंद का विकल्प चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों से कोविड-19 के संबंध में उचित व्यवहार का पालन करने का अनुरोध करते हैं। आपको बता दें कि भूषण ने कहा कि 28 दिन के अंतराल पर टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी और इसका असर 14 दिनों के बाद दिखेगा। पहले चरण में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। भारत ने हाल में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के टीके को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने को मंजूरी दी थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि इन दोनों टीकों का हजारों लोगों पर परीक्षण किया गया है। ट्रायल में दोनों टीके सुरक्षित पाए गए हैं और उनसे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन टीकों का साइड इफेक्ट बहुत कम देखा गया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।